जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत दोनों बहुत जरूरी है। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य का उनकी राशि से क्या कनेक्शन है। ज्योतिष के अनुसार जानेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, किस राशि की महिलाओं को क्या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? जी, दिनांक 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 10:25 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 6:26 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम पंडित जी से समझेंगे कि महिलाओं के स्वास्थ्य का उनकी राशि से क्या कनेक्शन है, किस राशि की महिलाओं को किस तरह की स्वास्थ्य की परेशानियां हो सकती हैं, ज्योतिष का नजरिया इसमें क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि की महिलाओं का। पंडित जी, स्वास्थ्य कैसा रहता है? देखिए, महिलाओं का शारीरिक मामला और मानसिक मामला पुरुषों से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए हम आपको अलग से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग राशि की महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा रहता है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए। अगर मेष राशि की महिलाओं की बात करें तो मेष राशि की महिलाओं को आम तौर पर हड्डियों की और त्वचा की समस्या ज़्यादा होती है। अक्सर चोट चपेट लगना, हड्डियों में दिक्कत होना, वो इनके साथ होता है। इनके स्वास्थ्य की समस्याएं आम तौर पर उम्र के 32वें साल से शुरू होती हैं। 32 के बाद ये अक्सर बीमार रहती हैं। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से मेष राशि की महिलाओं को दूध का सेवन करना चाहिए और सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए। अगर मेष राशि की महिलाएं ऐसा करें तो वो स्वस्थ बनी रहेंगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं उनको आम तौर पर मानसिक समस्या ज्यादा होती है या शीत जन्य समस्या जैसे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम इनको ज्यादा होती है। अक्सर कान नाक गले की समस्या इनको हो जाती है और मानसिक रूप से ये अक्सर परेशान रहती हैं, और ये समस्याएं इनके लिए उम्र के 18वें साल से दिखनी शुरू हो जाती है। क्या करना चाहिए? अगर आप वृषभ राशि की महिला हैं तो नियमित रूप से योगासन करिए, योग करिए और भगवान शिव की उपासना करिए। नमः शिवाय का जप करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें
तो आपके स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं उनको आम तौर पर ब्लड प्रेशर की और रक्त की, ब्लड की समस्याएं परेशान करती हैं। मिथुन राशि की महिलाओं को ब्लड प्रेशर जल्दी होता है और ब्लड की समस्याएं भी उनको ज़्यादा परेशान करती हैं। और उम्र के 15 साल के बाद ऐसा देखा गया है कि इनको रक्त की समस्या, ब्लड की समस्या होने लगती है। क्या करना चाहिए? अगर आप मिथुन राशि की महिला हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें, अधिक से अधिक हरी सब्जियां खाएं और रविवार का अगर आप उपवास रखें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आप मजबूती से स्वास्थ्य की समस्याओं से निकल आएंगी। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि मंगल की राशि है। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, अपने व्यवहार का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की महिलाओं के बारे में कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। पंडित जी, इनके स्वास्थ्य का इनकी राशि से क्या संबंध है? अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की महिलाओं की कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। अगर कर्क राशि की महिलाएं हैं तो मैं बता दूं, इस राशि की महिलाओं को कान, नाक, गला और हार्मोन की समस्या अक्सर परेशान करती है। कर्क राशि की महिलाओं का हार्मोनल बैलेंस सही नहीं होता और कान, नाक, गले में दिक्कत होती है। उम्र के 28वें साल के बाद से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की समस्या इनकी शुरू हो जाती है। अगर आप कर्क राशि की महिला हैं तो मानसिक तनाव कम पालिए, आपको टेंशन बहुत होता है उसको कम पालिए
और जितना संभव हो भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिंह राशि की महिलाओं को हृदय रोग की संभावना और घुटनों के दर्द होने की संभावना प्रबल होती है। सिंह राशि की महिलाएं हृदय रोग से और घुटनों के दर्द से प्रभावित हो जाती हैं बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी इनको हड्डियों की समस्या परेशान करती है। लेकिन ये स्वास्थ्य की समस्या आम तौर पर इनको उम्र के 48 वर्ष के बाद आनी शुरू हो जाती है। सिंह राशि की महिलाएं क्या करेंगी, तांबे के पात्र से जल पिएंगी, तांबे के लोटे या तांबे के गिलास से जल पिएं और सूर्योदय के पहले उठ करके अपना जीवन शुरू करें तो इनके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं इनको पेट की दिक्कत अवश्य होती है, अक्सर लीवर की समस्या, गॉल ब्लेडर की समस्या इनको परेशान करती है, और साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी की समस्या भी इनको परेशान कर देती है। आम तौर पर ये समस्या पेट की या स्पाइनल कॉर्ड की उम्र के 12 वर्ष से शुरू होती है या 52 साल के बाद, 52 ईयर के बाद इनको सेहत की समस्या ज्यादा होती है। कन्या राशि की महिलाओं को नियमित रूप से गुड़ और चने का सेवन करना चाहिए। कन्या राशि की महिलाएं अगर रोज संध्या काल में शाम के समय गुड़ और चने का सेवन करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफ़ेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अहंकारी और जिद्दी रवैये से बचाव करें, धन की हानि आज हो सकती है, सतर्क रहिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उससे पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और आगे ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है ये पंडित जी बताएंगे। इसके साथ ही आगे शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब आपके सवाल की बात कर लें। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें नर्मदा जी ने लिखा है और नर्मदा जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1990, जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नर्मदा जी, आपके पुत्र के विवाह का योग चल रहा है और साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में इनका विवाह होने की संभावना बनती है। लेकिन जब भी विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। एक ओपल बनवा करके इनको पहनाइए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहना दें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ये नमः शिवाय पढ़ें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बारी आ गई तुला, वृश्चिक और धनु राशि की महिलाओं के बारे में जानने का। पंडित जी, इनकी राशि का इनके स्वास्थ्य से क्या संबंध है? अब जानते हैं कि तुला राशि की महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा रहता है। तुला राशियों को इन्फेक्शन जल्दी होता है, आम तौर पर यूरिन इन्फेक्शन, मूत्र विकार और मधुमेह यानी डायबिटीज, ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। तुला राशि की महिलाओं को यूरिन की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उम्र के 41वें वर्ष से इनको स्वास्थ्य में समस्याएं ज़्यादा होती हैं और तुला राशि की महिलाएं थोड़ा लापरवाह भी होती हैं, इसलिए लंबे समय तक बीमार पड़ जाती हैं। तुला राशि की जो महिलाएं हैं इनको स्वस्थ रहने के लिए दोपहर के भोजन में दही का सेवन करना चाहिए और पानी हमेशा साफ पीजिए। साफ पानी नियमित रूप से आप पिए तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं इनको मोटापा बहुत जल्दी पकड़ लेता है और मोटापे की वजह से इनको हड्डियों की समस्या परेशान करती है। मोटापा और हड्डियों की समस्या इनके साथ बहुत रहती है। आम तौर पर उम्र के 28वें 29वें साल से ही इनका मोटापा तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और ये बीमार होने लगती हैं। इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और खाली पेट
लंबे लंबे समय तक मत रहिए तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगी। वृश्चिक राशि की महिलाएं केवल अपने मोटापे को ठीक कर लें तो बाकी मामले में इनके साथ दिक्कतें नहीं हैं। धनु राशि की जो महिलाएं हैं, इस राशि की महिलाओं को पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या और बुखार की समस्या परेशान करती है। आम तौर पर ये समस्या पेट वाली, एसिडिटी वाली, इनको यंग एज से, युवावस्था से रहने लगती है। धनु राशि की महिलाएं खान पान में लापरवाही करती हैं, इसीलिए पेट की दिक्कत इनको परेशानी में डाल देती है। धनु राशि की महिलाओं को फल का सेवन करना चाहिए और थोड़ा ठंडा दूध, जिससे एसिडिटी ना हो, ये इनको नियमित रूप से पीना चाहिए। अगर ये ऐसा करें तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या आपकी दूर होगी, प्रेम संबंध आपके आरंभ हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, बड़ों की सलाह से सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, जब महिलाओं और पुरुष की कुंडली देखी जाती है तो बहुत सारे ज्योतिषियों का ये मानना है कि इनको अलग अलग नजरिए से देखना चाहिए, अलग अलग ग्रह इनको अलग अलग फल देते हैं जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों की कुंडली देखने का तरीका अलग अलग है। ग्रह भले ही एक जैसे हों लेकिन दोनों के परिणाम अलग होते हैं। देखिए, महिलाओं का जीवन दो ग्रहों से चलता है, चंद्रमा और मंगल। पुरुष का जीवन दो ग्रहों से चलता है, सूर्य और शुक्र। चूंकि दोनों के जीवन को चलाने वाले ग्रह अलग अलग हैं,
इसीलिए दोनों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव भी अलग अलग पड़ता है। और चूंकि ग्रहों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है, इसीलिए दोनों की कुंडली देखने का तरीका अलग अलग है। अब बात मकर, कुंभ और मीन राशि की महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा रहता है, ज्योतिष क्या कहता है पंडित जी इनके स्वास्थ्य के बारे में? मकर राशि की जो महिलाएं हैं उनको जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, घुटनों के दर्द की, जोड़ों के दर्द की समस्या और ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान करती है। अक्सर ये शिकायत करती हैं कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में दिक्कतें हो रही हैं। और ये समस्याएं इनको उम्र के 45-50 वर्ष से काफ़ी परेशान करती हैं। चलना फिरना भी कई कई बार इनका मुश्किल हो जाता है। इनको बिल्कुल भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। ओवरवर्क प्रेशर की वजह से अक्सर मकर राशि की महिलाएं बीमार पड़ जाती हैं। कुंभ राशि की महिलाओं को डिप्रेशन बहुत जल्दी होता है। मन की समस्याएं और पेट की समस्याएं इनको ज़्यादा परेशान करती हैं। अक्सर निगेटिव सोचती हैं, नकारात्मक चिंतन करती हैं और इसी वजह से डिप्रेशन में चली जाती हैं। आम तौर पर इनको जो सेहत की दिक्कत होती है वो उम्र के 35 वर्ष के बाद होती है, बट इनकी ज़्यादातर जो समस्या है वो साइकोलॉजिकल है, वो मानसिक है। इनको ध्यान और योगाभ्यास करना चाहिए। ध्यान करें, आसन करें और तेल मसाला कम से कम खाना चाहिए। अगर ऐसा आप करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। मीन राशि की महिलाओं को स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है या रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या भी इनको हो जाती है। यानी स्किन इनको परेशान करती है और रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हो जाती है। और आम तौर पर जब ये उम्र के 38 साल क्रॉस कर लेती हैं, 38 ईयर क्रॉस कर लेती हैं, तब ये बीमार ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। इस समस्या से बचने के लिए इनको रविवार का उपवास रखना चाहिए। अगर ये हर रविवार का उपवास रखें और अपने शरीर पर ज़्यादा बोझ न डालें तो उससे ये स्वस्थ बनी रहेंगी। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में शांति बनाए रखें, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आपके तमाम रुके हुए काम आज पूरे होंगे। नंबर 2, आपकी मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 4, इस समय करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 5, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 6, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। विवाह होने की संभावना बनेगी और वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब समय हो गया है सक्सेस मंत्र का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन खरीदना है, मकान, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब बात शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ है मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी,
करियर में उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा, कुंभ राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, करियर में सफलताएं मिलेंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। आज सावधान रहना होगा मकर राशि वालों को, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, ऑफिस में वाद विवाद नहीं करेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।